इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई तक कर दी गई है। जी हाँ, अब जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक देशव्यापी कंटिन्यू रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये भी कहा कि कुछ इलाकों में जहाँ पर हॉटस्पॉट नहीं है, वहाँ पर अगर और कोई नया केस नहीं आता तो 20 अप्रैल को कुछ रियायत दी जा सकती है, लेकिन ये रियायत कड़े नियमों के पालन के अनुसार ही होगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारी एहतियात को उसी तरह से बरतना होगा जिस तरह से आप अभी तक बरतते आ रहे हैं। और अगर किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर रियायत दी जाएगी, जिसको फैसला 20 अप्रैल को किया जाएगा, अगर वहाँ पे कोई नया केस आता है तो ये रियायत तुरंत प्रभाव से वापस ले ली जाएगी। जी हाँ, सो अब तक के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। आप अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घर में ही रहें, ताकि इंडिया ये फाइट एक साथ लड़े और जीत जाए।